अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके सामने ये मेरा टिकटॉक यूएसए का अकाउंट है। आप इस पर व्यूज़ देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा पाकिस्तानी अकाउंट है। इस पर आप देख सकते हैं, ये ट्रिक मैंने इस पर लगाई है, तो यहाँ पर इस पर भी आप व्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं। 4600 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये यूएसए और यूके का अकाउंट है, इस पर आप देख सकते हैं मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों यही वाली ट्रिक मैंने पाकिस्तानी अकाउंट पर अप्लाई किया तो उस पर भी व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों ये ट्रिक आप अपने टिकटॉक यूएसए, यूके, पाकिस्तानी अकाउंट दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपके अकाउंट पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने अकाउंट पर इस तरीकों को अप्लाई करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आना 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मुर्तजा खान, आप देख रहे हैं बाबू ऑनलाइन 123 चैनल पर। जनाब फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों ट्रिक से अप्लाई करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को समझना है। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं लगा रहा हूँ, आपने मुकम्मल देखनी है, उसके बाद आपने ट्रिक अप्लाई करनी है तो आपके अकाउंट पर व्यूज़ आना 100% कन्फर्म है। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे, कोई भी पार्ट आप मिस कर देंगे वीडियो का, तो फिर समझिएगा कि आपकी ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि भाई ये ट्रिक तो फेक है, लेकिन मैं फेक वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ। तो सबसे पहले जनाब जो आपने काम करना है वो ये करना है, सबसे पहले आपने अपनी ऐप की कुछ सेटिंग्स हैं वो कर लेनी है। तो यहाँ पर 3 लाइन आपको ऊपर नजर आती हैं, अपने प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे तो आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सामने नीचे यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करके कभी भी अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रखना, अपने अकाउंट का ये वाला ऑप्शन जो है इसको आपने ऑफ ही रखना है। यहाँ पर एक्टिव स्टेटस का ऑन है, आपने भी इस तरह से ऑन कर लेना है। बाकी ये सारी सेटिंग्स आपके सामने हैं, इसका अभी स्क्रीन शॉट ले लें और ये सारी सेटिंग्स आप इसकी सब जो है जैसे जैसे मैंने ऑन की हुई हैं ऑफ़ की हुई आप ये भी कर लें। अगर मैं समझाने लगे हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर बेहतर है कि आप स्क्रीन शॉट ले लें या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद बैक चलते हैं जी। बैक जाने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है वीडियो अपलोड करने से पहले, वो आपने यहाँ पर फ्री ऑफ स्पेस का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लियर कैशे 0 है, मेरा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस तरह से आपने इसका क्लियर कैशे जनाब हुआ कर लेना है। करने के बाद अब आपने जनाब इस तरह से बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद आपने जनाब इस तरह से इसको एक दफ़ा हटा देना है, अपनी ऐप को जनाब इस तरह से बंद कर देना है। अब आपको एक जो है वो वीपीएन की ज़रूरत होगी, वो वीपीएन कौन सा है आइए आपको बता देता हूँ। तो जनाब आपका वीपीएन जो है वो आपकी ट्रिक में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, इससे आपकी वीडियो 100% जो है वो ट्रिक वर्क भी करेगी और काम भी करेगी और आपके व्यूज़ देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने वीपीएन प्रो सर्च कर लेना है। जैसे वीपीएन प्रो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नीचे तीसरे नंबर पर एक वीपीएन है, वीपीएन प्रो, यहाँ पर आपको ये वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, इस वीपीएन को मैंने ओपन कर लिया है। इस वीपीएन का कुछ हिस्से से इंटरफेस है। इस वीपीएन का फ़ायदा यह है कि जो प्रीमियम इसके सर्वर हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे एक छोटा सा ऐड देखने के बाद। तो जनाब ये वीपीएन ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये देखें डायरेक्ट आपने इस वीपीएन को कनेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऊपर आपको अल्ट्रा का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये इसके सारे जो प्रीमियम हैं वो सर्वर आपने इनमें से यूएसए का जो सर्वर है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये फ्री में लेने के लिए एक ऐड देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने टैप टू गेट फ्री पर क्लिक करके एक ऐड देख लेना है, उसके बाद ये आपका बिल्कुल फ्री में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए जब आप ऐड देख लेंगे तो उसके बाद आपने कनेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका जो वीपीएन है वो अब कनेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसको रिमूव कर देना है, इस तरह से हट जाना है, बैक चले जाना है। अब आपने जो वीडियो अपलोड करनी है आपने उस अकाउंट पर आ जाना है जिस अकाउंट पर आपने वीडियो अपलोड करनी है। तो जनाब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने जनाब ये देखें नीचे वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, तो अब हमने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। ऐसे ही प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, आपने जो वीडियो बना कर रखी होगी आपने उसमें से आपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जनाब इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट यूएसए वाला है, तो मैं इस पर चाहता हूँ कि एड्स भी चलें और मुझे अर्निंग भी हो। तो जनाब यहाँ पर इस तरह से बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करके जैसे मैं खुद वीडियो अपलोड करता हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पर ये देखें इस वीडियो की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मिनट से 2 सेकंड के करीब कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे स्प्लिट पे ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलता है, बाकी की वीडियो मैं इसकी डिलीट कर देता हूँ और इसका जो पार्ट है उसका वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। और इस तरह से अब बैक जाता हूँ, अब मुझे यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है तो जनाब मैं म्यूज़िक लाता हूँ, ये आ गया, इसके वॉल्यूम पर क्लिक करता हूं और जनाब जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम है इसको ऑफ करता हूं, अभी साउंड लगा नहीं है शायद, तो यहां पर ये देखें लग चुका है। तो इसका जो डन करते हैं जी,
अब जनाब आपके सामने मैंने इसका वॉल्यूम फुल खोल दिया है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको मैंने ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अब आपने अपनी वीडियो को टाइटल देना है, तो मैं जनाब इसको जो टाइटल है वो दे देता हूँ VFX वीडियो। ये लगाने के बाद आपने हैश टैग लगाने हैं, तो यहाँ पर FYP4U ये लगाने के बाद FOR YOU वायरल वीडियो, वायरल वीडियो, इसके बाद अनफ्रीज अकाउंट, इसके बाद ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग इस तरह से आपने लगा देने हैं। ये वाले हैशटैग आपने लगा देना है। ये लगाने के बाद आपने लोकेशन लगा देनी है, उसके बाद आपको कोई वीडियो की लिंक वगैरह लगाना है तो ठीक है। इसके बाद आपको नीचे मोर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, आपने अगर ये सेटिंग अप्लाई नहीं की हुई तो ये कर लें। आपने अलो हाई क्वालिटी वीडियो जिसको ऑन कर देना है, और जनाब ये सेफ टू डिवाइस इसको ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से बाकी जो आपकी सेटिंग्स हैं वो आपकी सेम ही रहेंगी, आपने उनको नहीं छेड़ना। ये करने के बाद आपने वीडियो को पोस्ट कर देना है। वीडियो अब आपकी जहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, तो दोस्तों आपके सामने ये वीडियो यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। जब भी कोई वीडियो आप पोस्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऊपर ऑप्शन आते हैं, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले कॉपी लिंक कर लेना है। इस तरह से अपनी वीडियो को एक दफ़ा कॉपी लिंक लाजमी किया करें जब आप वीडियो पोस्ट कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आपने अपने यूज़र प्रोफाइल का जो नाम है आपने उसको कॉपी कर लेना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने इस ऐप को इस तरह से बंद कर देना है जिस ऐप में आपका अकाउंट लॉगिन है। दोस्तों अब आपको दूसरी टिकटॉक जो है वो उसको इस्तेमाल करना है, जिस पर आपने जनाब अपने अकाउंट को ट्रिक लगानी है। तो ट्रिक लगाने के लिए यहाँ पर ये देखें, एक टिकटॉक एशिया है और एक दूसरी टिकटॉक जो है वो USA वाली है, UK वाली, जिस पर अब मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन किया है, यानी कि वो प्ले स्टोर वाली समझ लें लेकिन वो मोडे पे किया है। तो यहाँ पर मैं दूसरी ऐप को ओपन करता हूँ, आपके सामने ये ऐप ओपन है। अब आपको यहाँ पर होम पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो नाम कॉपी किया था आपने उसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप देखें यहाँ पर इस तरह से आपका अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है, तो अब हम इस पर ट्रिक जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं, अपने प्रोफाइल पर आ जाना है। अब आपने अपने प्रोफाइल पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आप देखें यहाँ पर अभी 0 व्यूज़ हैं। तो मैं जनाब इस पर इस तरह से वीडियो पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही वीडियो पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने आपकी वीडियो जो है वो इस तरह से प्ले हो जाएगी। तो अब आपने अपनी वीडियो को कम से कम 2 बार आपने फुल देखना है, तो मैं इस वीडियो को अभी 2 बार बिल्कुल फुल वॉच होने देता हूं। जब आपने अपनी वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है 2 दफ़ा, ना आपने लाइक करना है, ना आपने कमेंट करना है, ना आपने कॉपी लिंक करना है, कुछ भी नहीं करना। शेयर के बटन पर क्लिक करना है, सबसे पहले वाला आपको जो काम है वो रिपोर्ट पे आ जाना है। नीचे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जब आप रिपोर्ट पर आ जाएंगे तो अब आपने यहाँ पर एक रिपोर्ट करनी है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो आपने कौन सी करनी है आपको ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो रिपोर्ट है आपने यहाँ पर करनी है सुसाइड एंड हार्मफुल, यहाँ पर ये देखिए सेल्फ हार्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे नीचे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये देखें ये सबमिट हो चुकी है जनाब, इसको आप डन कर दीजिएगा। यहाँ पर डन करने के बाद अब आपने इस तरह से दोबारा से अपने बैग चले आना है। बैग जाने के बाद अब आपको अपने दूसरे अकाउंट को ओपन करना है। इस ट्रिक के लिए आपको 3 अकाउंट चाहिए होंगे फेक, तो अब आपने तीसरे अकाउंट पर इस तरह से फिर आपने क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपने दोबारा से, मैं दोबारा अकाउंट नहीं लॉगिन करता, इसी पर आपको दूसरी ट्रिक लगाकर दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे जो आपने रिपोर्ट लगानी है वो शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे फिर आपने रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है, और आपने दूसरे अकाउंट से अपने ये वाली रिपोर्ट जो है वो लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखें दूसरे वाली रिपोर्ट है न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कॉन्टेंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर आपको नीचे जो है वो अडल्ट न्यूडिटी, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट जो है वो लग जाएगी। तो हाइड कॉन्टेंट फ्रॉम मुर्तजा की टेक, आपने इसको ऑन नहीं करना, आपने इसको सिर्फ डन कर देना है। डन करने के बाद आपने बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद आपने फिर दूसरी रिपोर्ट आपने लगानी है। शो वीडियो पे क्लिक करता हूँ, अब आपने फिर शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपने अपने तीसरे अकाउंट से ये वाली रिपोर्ट लगानी है। तो तीसरे अकाउंट से आपने स्कैम एंड फ्रॉड वाली जो रिपोर्ट है, फ्रॉड एंड स्कैम वाली रिपोर्ट है, इसको आपने सबमिट करना है। इस तरह से सबमिट करने के बाद आपने डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे तो अब आपकी रिपोर्ट जो है वो तीनों अकाउंट से इस तरह से लग जाएगी। तो अब आपने अपने अकाउंट को जो है वो कुछ देर के लिए बंद रहने देना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अकाउंट पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपके
आपके सामने ये वीडियो शो करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें 6 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट्स के अंदर इस वीडियो पर आप देख सकते हैं 165 व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये इस तरह की ट्रिक है जो आपके साथ मैंने शेयर किया, सिर्फ 6 मिनट के अंदर 165 व्यूज़ आ चुके हैं। और यहाँ पर ये देखें 9 लाइक और 1 कमेंट भी आ चुका है। तो इस तरह से आपने अपने अकाउंट पर 3 अकाउंट से ये ट्रिक अप्लाई करनी है, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर रिक्वेस्ट है, और इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।